राष्ट्र को मजबूत करने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ ही भारतीय वायुसेना जल्द ही 156 अतिरिक्त प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के लिए ऑर्डर देगी। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चीन पाकिस्तान दोनों सीमाओं पर प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने ANI को बताया कि मुख्य सेवा के रूप में भारतीय वायुसेना ने संयुक्त अधिग्रहण मामले के रूप में 156 अतिरिक्त प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए सरकार के पास एक प्रस्ताव रखा है, जिसे जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है। बता दें कि हाल ही में IAF प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने स्पेन में विदेशी धरती पर लगभग 100 LAC मार्क 1A खरीदने की घोषणा की। रक्षा में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना की आवश्यकता को पूरा करते हुए प्रचंड का हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बड़े पैमाने पर परीक्षण किया गया है। रेगिस्तानी इलाकों और ऊंचाई वाले इलाकों में काम करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं के अनुसार इस हेलीकॉप्टर का निर्माण किया गया है। प्रचंड दुनिया का एकमात्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर उतर और उड़ान भर सकता है। प्रचंड हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागने में भी सक्षम है और दुश्मनों के वायु रक्षा अभियानों को नष्ट कर सकता है। यह नई ध्रुवास्त्र हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है, जो दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकता है। सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेवाओं में इन हेलीकॉप्टरों की संख्या 300 से अधिक होने की उम्मीद है।